जाओ अपने दिमाग को कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, फोकस करो कि ऐसा ही समझ लो हम आपके सामने ऐसे कुछ बता सकते हैं, हमने आपको भैया बोला और ये तो हम दोनों बैठ हैं, नहीं तो ये नहीं आती तो मैं भी क्यों आती, मेरा तो कोई संबंध नहीं है आपसे, ये बात मेरे को भी बोलनी थी। मैं जाने जाता हूँ, मैं क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे को पता ही है जो लड़की आती है मेरे साथ में ना, तो बहुत सारे जो लड़के हैं भाई, जो जो बड़े भी है और स्पेशली जो लड़की भी है, अगर लगता है कि मैं लड़की के साथ में ब्लॉग बना रहा, तो ऐसा कुछ बात नहीं है भाई, अपना दिमाग है ना साफ कर लो। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं सब ब्लॉग बनाता हूँ, इससे पहले मैं पुजारी जी के साथ में गया था, मैंने पूरे मंदिर की स्टोरी कहानी वासुदेव भगवान की और यहाँ ऊपर संस्कृति कार्यक्रम में चल रहा है उसके भी दो ब्लॉग बनाए, दो वीडियो बनाए मैंने। जोर से बात दोस्तों, एक कुछ ज्यादा ही हो गया, चलो अनुष्का आपका नाम क्या है और पीछे वाले ये तो तुम्हारे पैर, ये तो क्या बोलते हैं जो पैर क्या चीज क्या बोलते हैं, ये जो पहने वाने इसको क्या बोलते हैं गढ़वाली में, धोको, हाँ हमारे गांव में धोको बोलते हैं, मैं जानबूझ के बोला था क्योंकि थोड़ा थोड़ा भाषा अलग अलग होती है दोस्तों, तो हमारे गांव में धोको बोलते हैं, तुम्हारे गांव में धोको बोलते हैं, ये खतरनाक लग रही, मुच्छी बनाए हुए पगड़ी बांधी हुई है तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है ना, मस्त लग रहा है ना, है ना, इसको पूछ रहा मस्त लग रही है ना। और ये देखो पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी की नारी उदीना, ओ अच्छा, तो ये माधव सिंह भंडारी है, ये है माधव सिंह भंडारी, माधव सिंह भंडारी है यहाँ पे, एक एक थोड़ा थोड़ा सा आप आगे आ जाओ यहाँ से, बोला ओ, कौन कौन है ये, दो दो को पेन है, ये कौन है, ये है माधव सिंह, ये अब्दुल की वाइफ उदीना, उदीना पुराण, और आपका नाम तुम्हें बोला, तो दोस्तों माधव सिंह भंडारी, माधव सिंह भंडारी ना, माधव सिंह भंडारी का जो प्रोग्राम होता है, जो ड्रामा होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, हमारे गांव में भी होता है, आपका नाम आरुष ने गाँव फुलन बांगर, किधर है फुलन, मैंने नाम सुना उधर है ना, अच्छा तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और आपका कुछ प्रोग्राम था यहाँ पे, आपका कुछ डांस कॉम्पिटिशन था यहाँ पे, डांस कौन सा गाने के लिए आप, बाप रे वो तो बहुत ही गजब गाने हैं ना, और गढ़वाली में, गढ़वाली में नहीं क्या, मतलब एक एक ही सॉन्ग में क्या, दूसरे कौन सा वाला सॉन्ग है आपका, ये जो मिलर कॉलेज है ना, ये पुजार गांव में है ना, तो यहाँ और कौन कौन से गांव वाले आते हैं, आप पुलन से इधर जाते हो, अच्छा सब आते हैं, और आपने अपना नाम क्या बताया, आरुषनी, मेरे को लग रहा, मेरे को पता क्या लगा कि आप इलेवन में या ट्वेल्थ में, मतलब बड़ी लग रही हो ना, और एक बात और बोलनी है, आप बहुत क्यूट लग रही हो, सरवाना मत, मतलब जो सच्चे वो सच्चे है, सच में बहुत ही क्यूट लग रहे हो, तो अच्छी बात है आपने इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे, और आप जैसे वीडियो में बोलते हो ना, मेरे को लग रहा है आपको भी मतलब वीडियो में इंटरेस्ट है ना, नहीं ऐसा है ना, देखो ब्लॉग बनाने की कोई उम्र नहीं है, जो इंटरेस्ट है ना, मेरे को भी ब्लॉग बना, ब्लॉगिंग का मतलब बहुत कीड़ा है, मतलब बहुत इंटरेस्ट है, जैसे आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग में ब्लॉगिंग, हर किसी का शौक है ना, मतलब ब्लॉग बनाना तो ऐसे बनाना है कि ऐसे नहीं थोड़ा चलते चुलते बना दिया फिर दो चार लोग हंसे, ऐसे नहीं बना, हर किसी को पता रहता है ना, मतलब एक दिल से है ना, तो हम लोगों का दिल से आपको भी दिल से है ना एकदम, मतलब ब्लॉगिंग करनी है ना, अच्छा छोट, लेकिन मतलब जो आपकी बोलने की स्किल है ना, मतलब आप जैसे शर्माए नहीं, और आप मेरे साथ में इतना अच्छे बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि छोटी हो, मतलब आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पार्टी साधन में सर्च माना, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं 2500 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, कम है कि ज़्यादा है, सही है ना,
तो इसलिए बोला क्योंकि मेरे को भी एक्सपीरियंस है, मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे को भी एक साल हो गए, लेकिन पार्ट टाइम मेरे चैनल में मोनेटाइज है, तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, लेकिन छोटा भी नहीं हूँ, लेकिन सजेस्ट करूँगा आपको कि मुझे अच्छा लगता है, ये भी एक ड्रीम है ना, हर किसी का ड्रीम रहता है। और ब्लॉगिंग तो आज के लिए ऐसा हो गया, आपने जैसे बोले आपका ड्रीम है तो बहुत अच्छी बात है, जरूर बनाइए ब्लॉगिंग। आज आप दोनों आ जाओ। अरे शर्मा मत ऐसा बोलिए भैया, तो आओ भैया, आप कहाँ से हो? मैं हूँ नेलचामी से, टेरी गढ़वाल नेलचामी चक्रेड़ा से। पता है आपको आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम पायल है। वाओ मस्त नाम है पायल। पायल अरे कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं टेंथ में। टेंथ में इसी इंटर कॉलेज में ना? हाँ हमारे गाँव किधर है आपका? आपका गाँव किधर है? अच्छा आप दोनों पोलन से ही हो। हाँ। तो मुझे लग रहा है आप साथ में आप फ्रेंड भी होंगे ना, है ना? आप बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ। लग रहा है, देखिए लग रहा। अच्छा तो कितनी अच्छी बात है यार, अगर आपके वैसे कोई फ्रेंड है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, है ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जैसे आप साथ में आए ना, जैसे मैं ब्लॉग बना रहे तो आपने कहा हमारे भैया हमारा भी ब्लॉग बना, है ना, तो दोनों साथ में देगा मैं तो बहुत अच्छा लगा। आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है? आपको भी कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा ना। तो आप कब से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर? मेरे एक बात ग्रांड बांध के याद रखना, अगर आप दिल से ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, नाम क्या बताए? नेगी आयुष, आयुष नेगी, देखो दोस्तों आरुषि, सॉरी आयुष यार, आरुषि, आरुषि नेगी बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड है ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं ऐसे बोलूँगा जब से भी स्टार्ट करोगे, मैं तो बोलूँगा जब से भी, चाहे कल से परसों से हो, एक साल के बाद, एक साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब से भी स्टार्ट करेगी दिल से बनाना, क्योंकि ऐसा इंटरेस्ट बोले तो यार ऐसा कहीं लड़के से भी नहीं होता है। मामा ऊपर से भी आ रहे तो कोई लड़की ऐसे कर रही है, कोई ऐसी कर रही थी, मतलब ऐसा होता है ना कोई लड़के शर्माती है, खुद मैं भी पहले शर्माता था। तो जो मतलब ये आरुषि है ना, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी लड़की, ऐसे लड़के और बहजी दीदी बुली चाची बड़ी बहुत सारे, मतलब हमारे गाँव वालों को तो पता है, जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो जिस जिसको इंटरेस्ट रहता है, और मेरे दो चार सब्सक्राइबर हर जगह मिलते हैं, तो फटाक से आ जाते हैं ब्लॉग में। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जैसे शर्मा जाते हैं ऐसे, तो भाई जो जो शर्माते हैं ना, तो प्लीज़ यार शर्माइए मत, हम यार ऐसे है नहीं, हम आतंकवादी नहीं, हम गुंडे नहीं, हम ब्लॉगर ही है ना, सही बोले ना। और आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है आरुषि? मतलब उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, आसमान है कि ये किधर से, मतलब गाँव किधर है? अरे वो बहुत चलाने वाला का नाच का चल रहा है सजौन ब्लॉग, सजौन ब्लॉग कहाँ से है? वो गाँव किधर है? रुद्रप्रयाग में? अच्छा तो रुद्रप्रयाग, और आप इनके ब्लॉग नहीं देखो प्रियंका योगी तिवारी? क्योंकि ये प्रियंका योगी तिवारी का नाम है, इसलिए बोला दोस्तों रुद्रप्रयाग से ही है, और मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो मतलब प्रियंका योगी तिवारी के फैन हर जगह मिलते हैं, और पार्टी भाई का तो उनके भाई है। हाँ बहुत अच्छा बना, अच्छे बनाते हैं ना। तो अगर आपकी वो फेवरेट ब्लॉगर है तो मतलब उनका स्टाइल कैसा होता है बोलने का, अगर आपको पता है? मतलब थोड़ा ब्लॉग में बोलो। कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, अभी नहीं आता है, मतलब याद नहीं अभी। तो दोस्तों ऐसे बोलते मेरे को भी खुद अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ कभी जब मेरे को टाइम मिलता, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मैं प्रियंका योगी तिवारी, ऐसे बोलते हैं ना। ये स्टार्टिंग की मतलब वो जो बोलने का स्टाइल है बहुत अच्छा लगता है ना। देखिए यार तो आप सच सच बता, मतलब अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ाई पे करते हैं, जॉब पे करते हैं, और यूट्यूब ब्लॉगिंग तो पढ़ना है, पढ़ना जब क्या नहीं, 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 नहीं।
क्लास में पढ़ती है और एज कितनी होगी? 14-15 देखा क्या? अगस्त में 14 साल की और 8वीं क्लास में पढ़ती है। और देखो बोलने का तरीका और मतलब जो नॉलेज होती है ना, तो ऐसा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। और ये वाली तो साइलेंट हो गई। हम जाते जब नहीं है ना, थोड़ा हम रुदन पर आगे भाषा में बोला ना। हेलो तुम कंचन बोलो, तुम कंचन ये बोला था, थोड़ा आप भाषा में तुम कंचन बोला था, आप भाषा में बोलो ना या तुम्हारे। अरे तुमने कमने ये बोल, चल अपना स्टाइल बताओ, कोई बात नहीं होते, सब अपने ऐसे देखने वाले अपने दोस्त मतलब। मुझे भी हुई थी, मैं तो आवाज ही नहीं डालता था पहले ऐसी रिकॉर्ड कर देता था और वापस जो ऐप से करता था। और जब आप लोगों ने मेरे को देखा, आप लोगों ने मेरे को देखा हाथ में ट्राइपॉड माइक देखा, तो आपको पता चल गया। अच्छा तो फिर बोला उन्होंने बोला फिर आप आए, तो चलो बहुत अच्छी बात है। सच में दोस्तों ऐसा होना चाहिए। आज कई और यार मैं शादी में जाता हूँ और जो हमारे गाँव में भी पांडा मेला हुई थी और यहाँ पे जन्माष्टमी यहाँ पे बहुत अच्छा मना रहे तुम्हारे गाँव में। सर बोले ये जन्माष्टमी है ना अमर की मूर्ति पे लगी हुई। हमारे गांव में जब लॉकडाउन लगा तो हम लोगों ने बात की, अभी तो लड़के लोग सब नीचे, लेकिन यहाँ पे बोलो 16 गांव वाले पुजारी जी से भी मैंने बात की है, जो यहाँ की स्टोरी है ना वासुदेव भगवान की, तो वो पुजारी जी ने पूरी बताई है। पुजारी जी बता रहे थे तो 16 गांव वाले यहाँ पे आए, पूरे 16 गांव वाले आ रहे ना यहाँ पे, वो बोल रहे थे वो ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना चैनल जरूर स्टार्ट कीजिए और मुझे याद रखोगे ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लड़की क्या, जब मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करता था तो मतलब होते हैं ना एक दो गाँव में हर कोई नहीं होते, बोलते हैं ऐसे स्टाइल कर रहा है नहीं, हर कोई शर्माता है, बोलते भी है, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, हर किसी के साथ ही होता नहीं। तो मेरे साथ में वो खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। वही तो क्यों, अब मैं भी बना रहा हूँ, आप मेरे भी चैनल पे 2500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और भाई जो देख ये बात मेरे को भी बोलनी थी,
मैं जहाँ में जाता हूँ, मैं क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे को पता ही है जो लड़की आती है मेरे साथ में ना, तो बहुत सारे जो लड़के हैं भाई, जो जो बड़े भी है और स्पेशली जो लड़की भी है, अगर लगता है कि मैं लड़की के साथ में ब्लॉग बना रहा, तो ऐसा कुछ बात नहीं है भाई, अपना दिमाग है ना साफ कर लो। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए भी बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं सब ब्लॉग बनाता हूँ, इससे पहले मैं पुजारी जी के साथ में गया था, मैंने पूरे मंदिर की स्टोरी कहानी वासुदेव भगवान की और यहाँ ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम में चल रहा है उसके भी दो वीडियो बनाए मैंने, क्योंकि मोबाइल में चार्ज कम था तो इसलिए पूरे नहीं बनाए। इंटर कॉलेज ठेला की लड़कियाँ कितने थे मेरे साथ में, अभी यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक करना आप लोग, ठीक है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा ना यहाँ ऊपर, तो हमारा जो इंटर कॉलेज ठेला था ना, पर तो 15 अगस्त हुआ था, तो वहाँ पे भी आए थे, मतलब बहुत सारे सबके साथ में जा रहा था, जैसे प्रोग्राम चल रहा था तो सबकी फोटो ले रहा था, जो जो डांस कर रहे थे। तो ऐसा गलत मत सोचो, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ बात नहीं यार भाई, ये हमारे ड्रीम है, जैसा मेरा ड्रीम है और इनका भी ड्रीम है। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्लॉगिंग पार्टी। साजन चैनल को सच मार देना, और इस बार ये जाके दो तीन ब्लॉग आएंगे ना, सबके साथ में शेयर करना, पूरे बांगर पट्टी वालों के साथ में, ठीक है। और सबको बोलना सब्सक्राइब कर देना, क्या बोलना है, सब्सक्राइब कर देना। चलो थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हम लोग है बुलना फतोड़ मार्केट में, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ये देखिए भाई जबरदस्त रेस्टोरेंट है, और यहाँ का मस्त व्यू, ये देखिए डांडी घाट का जबरदस्त व्यू, थोड़ा थोड़ा अभी धूप लग रही है, ये देखिए बहुत ही मस्त व्यू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, दी एंड, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन कीप वाचिंग माय अदर ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी, जय देव भूमि, आई लव माय ऑल सब्सक्राइबर्स, बाय बाय।